हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है नौसेल लिमिटेड के बारे में। तो जनरली मेरे पास इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मुझे नौसेल लिमिटेड का शेयर ख़रीदना है, क्या किस प्राइस पे मैं इसको ख़रीद सकता हूँ? अभी ये थोड़ा सा सस्ते में मिल रहा है, क्या मैं इसको अभी ख़रीद सकता हूँ? तो चलिए बात करते हैं किस प्राइस पर ख़रीद सकते हैं नौसेल लिमिटेड को, कहाँ पर मतलब बहुत बेहतरीन बाय रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। और कुछ रिव्यूज जानते हैं इस कंपनी के बारे में, कुछ डाटा पॉइंट्स जानते हैं इस कंपनी के बारे में छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो नौसेल लिमिटेड, अगर आप नौसेल को नहीं जानते तो जान जाइए, ये एक बहुत बेहतरीन स्टॉक है, स्मॉल कैप का ज़रूर है, लेकिन ये आपको मल्टी बैगर छप्पर फाड़ के रिटर्न दे सकता है, क्योंकि रबर केमिकल की दुनिया का ज़बरदस्त स्टॉक है। और रबर अगर आप देखो तो कहाँ यूज नहीं होता आज की डेट में, आने वाले वगैरह टायर इंडस्ट्री में देखो आप, ज़बरदस्त रबर यूज होता है। और ये रबर केमिकल की जो है रबर केमिकल मैन्युफैक्चर करता है, ट्रेड करता है, उस डायरेक्शन में काम करता है बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आप टायर इंडस्ट्री की बात करें जहाँ पर रबर यूज होता है, तो आप खुद देखिए रबर केमिकल बन से ही रबर बनता है। और टायर इंडस्ट्री जैसे MRF देखिए किस तरीके से कहाँ बढ़ी है, और आगे आने वाले टाइम में ऑटोमोबाइल्स में चाहे उसमें लिथियम आयन बैटरी लगे या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन टायर तो वही रहेंगे। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स जब बढ़ेंगे तो डेफिनेटली टायर्स भी बढ़ेंगे, तो टायर्स बढ़ेंगे तो टायर की जो कंपनीज की उनकी सेल बढ़ेगी। तो टायर किससे बनता है? रबर से बनता है, तो रबर की सेल भी बढ़ेगी। तो रबर केमिकल वाले डेफिनेटली नौसेल का तो अच्छा फ्यूचर है। आप देखिए, लिंक कीजिए और समझिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए ऑलमोस्ट 2600 करोड़ का, स्मॉल कैप का स्टॉक जरूर है, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। 52 वीक लो देखा जाए तो 140, 52 वीक हाई 236, 236 पे आपको मिल रहा है 160 के प्राइस पे। देखिए आप सोच रहे होंगे 80 रुपये सस्ता मिल रहा है अभी आज की डेट में, लेकिन अभी और सस्ता भी मिल सकता है आपको, तो देखते हैं कब की प्राइसिंग पे और सस्ता मिलेगा। बुक वैल्यू देखिए 65 की है, स्टॉक की पी रेशियो देखिए 13.37 का है, डिविडेंड यील्ड 1.54% के, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑसम, दोनों चीज़ें बहुत ही बढ़िया कहूँगा मैं इसको, 26% एंड 18% के अराउंड। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल की बहुत ज़बरदस्त है, ऑलमोस्ट 10% के अराउंड किया। NSE BSE दोनों पे लिस्टेड है। अर्निंग पर शेयर देखिए जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से अर्निंग पर शेयर इज ऑसम, अर्निंग पर शेयर 12 का है। डेट देखिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, 5 करोड़ का मात्र डेट है, ना के बराबर मैं इसको कहूँगा, 0 डेट कह सकता हूँ मैं इसको। चार्ट देखिए बेहतरीन चार्ट परफॉर्मेंस दे रखी है, अभी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली तो अच्छा बाइंग टाइम एक दिख रहा है नौसेल में। एक नज़र डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, सेल्स की फिगर देखिए किस तरीके से बढ़ रही है, रेगुलर इंटरवल में सेल्स की फिगर बढ़ रही है। और आप ये देखिए नेट प्रॉफिट भी उसी तरीके से बढ़े जा रहा है, और लास्ट ईयर जो 169 करोड़ का था अभी 200 करोड़ का उम्मीद लगाई जा रही है, इतना प्रॉफिट आएगा। चलिए एक नज़र डालते हैं बाइंग प्राइस, कहाँ पर बाई किया जा सकता है नौसेल। तो जो चार्ट दिखा रहा है मुझे, चार्ट मुझे जो प्राइसिंग दिखा रहा है, और बहुत बेहतरीन प्राइसिंग भी हो सकती है यहाँ पे आप बाइंग करोगे तो। तो अभी देखिए ये जो चार्ट के अराउंड अगर आप देखोगे तो ये बाइंग जो दिख रही थी यहाँ पे 140 से 145 के रेंज में, यहाँ पे बहुत बेहतरीन बाइंग थी। तो आप अगर आप देखो आगने वाले टाइम पे आप सोच रहे होंगे कि ये चढ़ गया, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इसमें जो ये कैंडल बन गई है रेड कैंडल, तो ये इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे ज़रूर आएगा आपको। तो मैं ये कहूँगा 150 की रेंज, 140 से 150 की रेंज पहली, दूसरी रेंज 130 से 140 की रेंज, ये 100, इन दो रेंज पर आप बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से इसको एकोमोलेट कर सकते हो। अच्छा स्टॉक ज़रूर है, और आप ये देखिए ऑल दो यहाँ ने इसने इस लाइन को तोड़ के एक ब्रेकआउट दिया है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टॉक इन दो लेवल्स पे मिल सकता है। 140 to 150 की रेंज पहली रखिए, और दूसरी 130 to 140 की रेंज बाइंग, वेट कीजिए, अच्छा मिलेगा ये स्टॉक आपको नौसेल लिमिटेड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। एक नज़र डालते हैं नौसेल के, अगर हम म्यूचुअल फंड की 9 स्कीम्स ने इसको पिछले क्वार्टर में बाई किया है, तो देखिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे प्रिंसिपल L&T इमर्जिंग फंड है, BNP पैरिवास है, तो म्यूचुअल फंड की कई सारी स्कीम्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है आज की डेट में। जैसे 161 का प्राइस रेंज इसका चल रहा है, और उम्मीद करते हैं ये आपके इन लेवल्स पर आएगा जहाँ पर आप बाइंग बना सकते हो। चलो ठीक है, सस्ते में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, और स्टॉक अच्छे स्टॉक्स देखेंगे डेफिनेटली, पर नौसेल एक बहुत बढ़िया स्टॉक है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी नौसेल के लिमिटेड के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, कहाँ पर बाइंग दिख रही है, क्योंकि मेरे को जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन सिंपल, कोई ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला लगाया, बस ये दिखाया कि पुराने प्राइस कहाँ पे इसके रुके थे, कहाँ पे इसने कंसोलिडेशन दिखाई थी, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन जो दिखता है वहाँ पे बाउंस बैक की उम्मीद होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।